नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं बालकृष्ण बाली जी, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट है, त्रिलोकपुरी से हैं। आइए जानते हैं उनसे, उनके निगम में कैसे स्थिति चल रही है और क्या अभी तैयारियां चल रही है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। सर क्या सर अभी स्थितियाँ चल रही है सर, अगर निगम को लेके चले तो, जैसे यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी के निगम है और पहली बार वो निगम में आए भी होंगे, तो उसके बाद से उनका दावा ये बार बार चल रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से स्थिति को चेंज कर दिया है और अगर देखा जाए तो पूरा वार्ड उन्होंने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जब से वो जीते हैं, पहले भी यहाँ आम आदमी का निगम पार्षद था, तब भी लोग राय तराई कर रहे थे, और जब से वो जीते हैं वो तो नदारद है, वो तो है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं है। अच्छा। और काम की स्थिति ऐसी है कि अभी मेरे पीछे एक 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे, उसमें मुझे इनवाइट कर दिया है। बारात घर है 7 ब्लॉक में, एमसीडी का बारात घर है जी। उस बारात घर में जब मैं गया तो वो लोग वहां प्रोग्राम कर रहे हैं, बारात घर बुक कर लिया एमसीडी ने। और उसमें साफ सफाई नाम की व्यवस्था कुछ नहीं थी, गंदगी के ढेर थे, लोगों का इतनी गंदगी थी कि बदबू आ रही थी। वहां लोग बैठ के बेचारे खाना खा रहे, अपना प्रोग्राम वो लोग मना रहे हैं। मैंने वो वीडियो किया, वहां का वीडियो बनवाया और वीडियो मैंने डाला, उसके बावजूद भी आज तक वो उस बरात घर में नहीं पहुंचा है वीडियो लेने के बाद। बल्कि जो वहां सफाई का कार्य करती है उसको तो धमका रहा है, लेकिन खुद ने जाके वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त निकराई। और रोड पे भी ये स्थिति है, जगह जगह गंदगियों की भरमार है, जहां मकान बनते हैं वहां के खड़ा हो जाता है, उसके गुर्गिया खड़े हो जाते हैं जी। ये आम आदमी पार्टी जब आई थी तो तब ये बोल रही थी ईमानदारियों की पार्टी है। आज आपने, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की डेट में हो रखा है, कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था जी। जितना आज हो रखा है जी। लोग दुखी हैं जी। लूट मचा रखी है, रेहड़ी पटरी वाले लोग रो रहे हैं, बाकी लोग रो रहे हैं, मकान बनाते लोग रो रहे हैं, उनके मकान बंद हो जाती है, कंप्लेंट हो जाती है मकान बंद जब तक लेंटर वाइज पेशेंट हो गया। ये स्थिति यहाँ पर लूट मचा रखी है और निगम पार्षद को तो जनता ढूंढ रही है, वो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि निगम पार्षद यहाँ पे नदारद है, तो कोरोना का जो समय था उस समय जनता को कैसे राहत मिली होगी? ये तो बड़ा विषम समस्या हो गया होगा, क्योंकि अभी भी कोरोना का पीरियड चल रहा है, पिछले 2 साल से है ही, और दिल्ली की जनता ने उसको भुगता भी है और आने वाला समय भी बड़ा क्रूशियल है। मैं जानना चाहूंगा कि उस बीच में क्या घटित हुई। सर, जो कोरोना था तभी ये तो नहीं था, लेकिन इसी के जो आजकल जो विधायक है हमारा, वो पहले निगम पार्षद था जी, तो और उसकी विधायकी में भी, उसकी निगम पार्षद में भी कोरोना रहा। कोरोना के टाइम पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ लोग बहुत दुखी रहे। हमारे यहाँ सामने मोहल्ला क्लिनिक थी, वो नहीं खुलती थी, और उसके बावजूद हमारे पीछे कुछ डेथें हुई कोरोना से, आसपास जो डेथ हुई उनको मैंने उस वक्त भी, एक आए थे चैनल वाले, मैंने मतलब उनको बताया था कि उनके यहाँ पर हमने, वो लोग उनके घर गए, वो लोग बोल रहे हैं विधायक को जाके, क्योंकि निगम पार्षद नहीं था, विधायक को जाके बोला कि भी हमारे यहाँ डेथ हो गई है, आप वो सैनिटाइजर करवा दो, पूरी गली को थोड़ा सैनिटाइज करवा दो। वो भी नहीं हुआ, हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया, हम लोगों ने खाना बांटा, हम लोगों ने राशन बांटा, लोगों का यहाँ बहुत काम किए, लेकिन वो लोग तब भी नाराज रहे। लेकिन बस ये है, इनका पता नहीं, वो फ्री का है पानी माफ, बिजली हाफ, उस पर जनता क्यों वो कर रही है। लेकिन मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं बिल लेकर, बिल आ रहे हैं लोगों के, हम उनको एक बार में 2-3 लोगों के साथ वहां गया, ऑफिस गया, पानी के बिल बहुत आगे थे, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा नहीं ये इसमें नहीं होगा, ये पूरे भरने पड़ेंगे, ये बिल जेन्युइन है। तो फिर आपने माफ क्या क्या रखा है? अगर सारे बिल आ रहे हैं और वो जेन्युइन बिल है जो आगे वो आपको भरने ही पड़ेंगे, तो आपने क्या माफ किया है? ये जो पार्टी है ये बहुत धोखा है, झूठ बोलकर आई हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं दिल्ली में, वहां पंजाब जाकर बोल रहे हैं कि नशा, ये पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। हाँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं। हाँ, महिलाओं को भी दे रहे हैं, महिलाओं को भी है। दिल्ली में हर वार्ड में 3 ठेके खोल रहे हैं जी। दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। हाँ। रेजिडेंस एरिया में दुकानें खोल रहे हैं, और पंजाब में जाकर बोल रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल ये ना नशा मुक्त कर देंगे। तो आप दोहरी राजनीति क्या है ये क्या? ये सिर्फ वोट के लिए, मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाकर आप वोट लेकर सिर्फ सत्ता में बैठना चाहते हैं क्या? आप दिल्ली में क्यों, आप मतलब जगह जगह हम उसका विरोध कर रहे हैं,
कांग्रेस विरोध में लगी हुई है, जगह जगह जहां ठेके खुलते हैं हम जाते हैं, हम उनको मना करते हैं, रुकवा रखे हैं। 34 ब्लॉक में ठेका, रिहायशी घर में ठेका खोल रहे हैं, रिहायशी एरिया में ब्लॉक के अंदर खोल रहे हैं, जहां जहां पब्लिक रहती है। हमने वहां प्रदर्शन किया, हम वहां अड़े हुए हैं, अभी तक हम लोग हैं, हम वहां मतलब नहीं खुलने देंगे। और ठेके तो देखिए केजरीवाल जी, हम आपके पूरी दिल्ली में कहीं भी नहीं खुलने देंगे। जो ठेके जो जो चल रहे थे ठेके, आप उनको चलने देते, वो कमर्शियल एरिया में थे। आपने ये सब रेजिडेंशियल एरिया में क्यों लेकर आए? और आप उत्तराखंड में वहां बोलते हैं 1000 रुपए बेरोजगार को देंगे, और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, महिला को देंगे, 5000 रुपए बेरोजगार को देंगे। आप दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली में बेरोजगारी की तो यहाँ पर इतनी मारा मारी है, बहुत ज्यादा मारा मारी है। महिलाएं यहाँ जिनको पेंशन मिलती थी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। सर एमसीडी का कर्मचारी बहुत दुखी है, उसको पैसा नहीं मिलता है। सरकार बीजेपी की है एमसीडी में, लेकिन पैसा दिल्ली सरकार देती है। जब बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जी, इस बात का मैं उदाहरण फिर से दूंगा, क्योंकि मेरी अभी मुलाकात हुई थी पूर्व मेयर निर्मल सिंह जी ने, उन्होंने भी इस बात को माना था कि जब शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी तब भी एमसीडी में ईडीएमसी को स्पेसिफिकली कुछ पैकेज देने की बात कही गई थी, लेकिन अरविंद जी के राज्य में वो चीजों को भी उन्होंने मना ही कर दी। इन्होंने सारी हमारी योजनाएं बंद कर दी जी। जो कांग्रेस ने जो जितनी योजनाएं चलाई थी, आज लोग दुखी हैं, सैलरी नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है। हमारे त्रिलोकपुरी जैसे इस एरिया के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ मेरे ख्याल से 3-4 मर्डर हो चुके हैं। अच्छा। कानून के नाम पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। ऐसी अराजकता इन लोगों ने फैला दी है कि आप किससे कहेंगे? जब भी बोलने वक्त आता तभी वो लॉकडाउन लग जाता है, आदमियों को डरा दिया जाता है। अब आदमी कहां जाके बोलेगा, किससे जाके बात करेगा? अधिकारी मिलते नहीं है। लॉकडाउन कोरोना को लेकर है, बीमारी है, सब लोग उसका बचाव कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हम सब लोगों ने उसकी वैक्सीन ली है, हमने भी ली है, लेकिन ऐसी बीमारी कैसी है जिसमें अधिकारी मिलते नहीं है? अधिकारियों को बहाना मिल गया है कि वो बीमारी है, आप दूर से बात करिए या बाद में आइए। किसी का कोई काम नहीं हो रहा। काम जो एक रफ्तार थी, जो दिल्ली चल रही थी, वो दिल्ली विकास की जो डगर पे चल रही थी वो रुक गई है। बाकी सरकार आपको पानी फ्री दे रही है, पानी गंदा आ रहा है सर, पानी बिल्कुल नहीं मिलता। पानी के नाम पे यहाँ अगर आप इतनी दुकानें खुल गई हैं जब से केजरीवाल जी आए, हमारे कांग्रेस के टाइम में कोई दुकान नहीं थी पानी की। ठीक बात है। त्रिलोकपुर जैसे एरिया में सबसे ज्यादा पानी की दुकानें खुली है, पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। उसके बाद लोगों के लिए कोई फ्री नहीं है, लोग तो पानी खरीद के पी रहे, पानी गंदा आ रहा है, पानी आता नहीं है। लेकिन इन लोगों के बिल्कुल भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहती। लोग बोलते हैं, हल्ला मचाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोग आवाज उठाते हैं। आप जैसे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप कुछ भी करते रहो, कुछ बोलते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। ये अपने उसमें लगे हुए, अब ये उत्तराखंड घूम रहा है, पंजाब घूम रहा है, दिल्ली में ये बिल्कुल नहीं दिख रहा किसी को। दिल्ली में सिर्फ बस फ्री है, बस में कितनी बसें, बस के जो डीटीसी की बुरी हालत है, उनके कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है और आपने उसको न फ्री कर दिया, तो बसें कितनी चल रही है रोड के ऊपर? बस तो बहुत कम है जी। जी, मैं आंकड़ा अभी देना चाहूंगा। अभी तेजपाल जी ने आरटीआई डाली हुई थी, मेरे पास उसका रेफरेंस आया हुआ था, उसमें बताया गया कि डीटीसी इज इन लॉस। ठीक है, लॉस में है और जो नंबर ऑफ बसेस है वो कम हो चुकी है और काफी कम हो चुका है। उसपे एक रिपोर्ट भी हमने डाला हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। तो आपने जो डीटीसी की बात कही है वो भी एक रेफरेंस है। दूसरा जो मैं आपसे और एक गंभीर प्रश्न पूछना चाह रहा था, आज ही मनीष जी का बयान आया, मैं उसमें चेक कर रहा था, विधानसभा में उन्होंने बयान दिया है कि जो आबकारी नीति थी उसमें इल्लीगल ठेके बहुत ज्यादा थे, करीब 3000 के आसपास के इल्लीगल ठेके थे, उनको उन्होंने बंद कराया है। तो ये उनका आरोप है बीजेपी और कांग्रेस पे कि आपके सरकार में ये इलीगल ठेके जो थे और उगाही ज्यादा होती थी, इसको हमने बंद किया है और इस वजह से आप लोग जो है सो हमारे ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं कि हम आबकारी नीति से ले रहे हैं। तो ये इस पे आप क्या अपना वक्तव्य डालना चाहेंगे? देखो, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी, इनकी पूरी पार्टी, जैसे अभी हुआ है पंजाब में जी, मोदी जी के साथ, हाँ, हाँ, हाँ।
तो राजनीति चेंज कर दी है इन लोगों ने। हाँ। जब से ये लोग आए हैं सर, हाँ। राजनीति हिंदुस्तान की चेंज हो गई है। एक बड़ा झूठा, हाँ। दूसरा छोटा झूठा। हाँ। जब से जोड़ी आई है, हाँ। दिल्ली में आया ऊपर राजनीति। अब उन्होंने क्या काम किया वहां जाकर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। आपके पास सिक्योरिटी है, हाँ। SPG है, हाँ। सारा मसला है, हाँ। आपको कौन आपको खाली छोड़ देगा? क्या वहां मारे गए? क्या कोई पत्थर उठाया किसी ने? कुछ नहीं गया, लेकिन वो एक राजनीतिक स्टैंड उसको बना दिया गया। ये इसी पुलिंदे पे ये लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। यही पुलिंदा ये बोल रहे हैं मनीष जी। हाँ। मनीष जी को ये नहीं मालूम कि उस जो नीति थी वो नीति थी कि प्राइवेट ठेके कम थे, हाँ। सरकारी ठेके ज्यादा थे। हाँ। और सरकारी ठेके जो थे उनपे इतना वो नहीं था, क्योंकि बीच में कहीं भी दलाल नहीं थे। ठीक है, कहीं कहीं प्राइवेट ठेके खोले गए थे, लेकिन इतने नहीं कि एक वार्ड में तीन, एक वार्ड में तीन नहीं थे। मेरे ख्याल से 80 वार्डों में तो ठेके ही नहीं थे। अच्छा। खुले ही नहीं थे, लोग आसपास से कहीं से ये लेते थे। आज इनकी जो आबकारी नीति है, जो इन्होंने जो बनाई है, हाँ। वो टोटल प्राइवेट, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो जगह है, हाँ। उसको रेंट पर ले रहे हैं, किसी कंपनी को दिया इन्होंने। ठीक है, वो कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, जगह रेंट पर ले रही है, 2 लाख कुछ उसको रेंट दे रही है। अच्छा। मालिक को चलाएगी कंपनी। तो आप बताइए, जो जो सरकार चला रही थी उसका डिपार्टमेंट चला रहा था, और कहीं कहीं खुले हुए थे, बहुत कम ठेके थे। आज एक वार्ड में तीन ठेके, तीन ठेके के साथ साथ आप ये लगाइए कि कंपनी चलाएगी, तो कंपनी क्यों ले रही है वो इतने इतने जो ठेके, 480 ठेके खोलने जा रहे हैं, 840 पहले तो मेरे ख्याल से 200 कुछ थे, 250 के रेंज में थे ठेके, आज 840 ठेके खोलेंगे। और कंपनी उनको जो एक 50 का कहीं मकान लिया, 75 का कहीं मकान लिया, जो भी उनकी वो है पॉलिसी, जो उन्होंने पॉलिसी रखी है, उसको इन्होंने 2 लाख से ऊपर ही देते हैं, दो लाख 40 दो लाख ऐसे किराया ले रहे हैं उससे, ये सो किराया दे रहे हैं। अब ये किराया दे रहे हैं, जब इतना किराया दे रहे हैं तो उनकी कमाई कितनी होगी? और बीच में दलाल हो गए हैं, क्योंकि कोई कंपनी आ गई है तो सीधा तो है नियम। तो इनको ये, मैं इनको मनीष जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो झूठ बोलना छोड़िए और सीधी नीति लाइए, जो जो सही नीति अपना रखी थी, सरकार ठेके चला रही है, सरकार की दुकानें हैं और प्राइवेट बहुत कम थे, आज आपने टोटल प्राइवेटेशन कर दिया, टोटल आपने कंपनी को दे दिया, आपने तो लाला को दे दिया, अब लाला नीचे चला रहा है उसको, लाला नीचे सिर्फ दुकान ले रहे, अब उसको कंपनी चलाएगी तो कितना लोगों पे जोर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को हर चीज चाहिए, हर बंदों की वो चाहिए उसको, वहां रेंट भी देना है, सैलरी भी देनी है। तो ये क्या है, ये सिर्फ इनका कमाई का जरिया है। ये लोग जो जितना ऐड कर रहे हैं, जितना ऐड पे खर्च कर रहे हैं, जितना ये जो काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को जो ये लूट रहे हैं, और जितना इन्होंने फ्री बोला, पानी या बिजली दिल्ली में बनते नहीं है, वो भी खरीद कर आते हैं, तो पैसा तो सब यही जनता से निकाला जाता है। ठीक है, चाहे कैसे भी निकालेंगे, घुमा फिरा के निकालेंगे हमसे ही। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, गवर्नमेंट का काम ही ये है, गवर्नमेंट का काम है, तो इनको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक को मत बरगलाओ, पब्लिक जिस दिन समझ जाएगी उस दिन आपको अपने आप समझ जाएगा कि हमने क्या किया है जनता के साथ। अच्छा बाली साहब, एक और मेरा प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स बहुत जरूरी से, मतलब अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे। जी सर। ये आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि तीन ठेके हर एक वार्ड में खुल रहे हैं, रिहायशी इलाके में खुल रहे हैं, इससे क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सर, खुल जाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ये अच्छी बात मनीष के लिए होगी या केजरीवाल जी के लिए होगी, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे जो रियासी एरिया में ठेके खुलने का मतलब है, शराब पे थोड़ी सी पाबंदी रहती है यंग बच्चों के लिए, डरते हैं कि अभी वहाँ सरकारी ठेका है, वहाँ हम जाएंगे या हम दूर दूर कहीं, मतलब वहाँ से लेंगे तो पता लगेगा। अब जब घर के अंदर ही ठेका खुल जाएगा, बिल्कुल हम रियासी एरिया में ठेके खुल जाएंगे, तो लेने में वो शर्म भी आस्ते आस्ते निकल जाएगी बच्चों की, सबकी निकल जाएगी, चल यहीं से लेना। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे परचून की दुकान है, बच्चे जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहा, जाके लेके कोल्ड ड्रिंक लेके पीने लगेगा, तो उस स्थिति से समाज को जो है वो नुकसान होगा, बच्चों को, जो बच्चे हैं वो गलत दिशा की तरफ जाएंगे, शर्म निकलेगी उनकी, और समाज इसमें
जो सामाजिक जो दायरा है वो भी खत्म होगा, जो शर्म है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको मेरी यही निकलती देखा है तो एकदम इसमें किसको क्या पता लगता है। तो बच्चों को जो ये बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार इनके पास है नहीं, ठीक है, इनकी पॉलिसी है रोजगार है नहीं, तो इनको इस तरफ लगा दो, इस तरफ लग जाएंगे तो ये रोजगार मांगेंगे नहीं, ये इनकी पॉलिसी है। और इसको इनकी पॉलिसी को कांग्रेस बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी कर ले, ये ठेके हम रियासी एरियो में नहीं खोल, आप कमर्शियल एरिया में खोल दीजिए, कमर्शियल एरिया जो एरिया है उनमें किसी को एतराज नहीं होता है, भाई वहां कमर्शियल है, लेकिन रियासी एरिया से दूर खोलिए। अच्छा, जाते जाते चूंकि समय कम है, आपसे प्रश्न तो और भी बहुत सारे बन रहे थे, ये पूछूंगा कि वार्ड में आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि एमसीडी में भी दावा कर रहे हैं केजरीवाल जी की, एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल, ठीक है, बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, कांग्रेस की क्या पोजीशन से कैसे आप लोग अपनी तैयारी करके रख रहे हैं ताकि इस निगम में जो है सो आप लोग अपने पोजीशन बना सकें। कांग्रेस की पोजीशन थोड़ी सी अप हुई है इस एक तो ये ठेकों के बाद, जो इनकी नीतियां हैं जो इनकी चालाकियां वो आस्ते आस्ते आ रही हैं सामने, जब ये फुल फ्लैश सामने आएंगी तो इनको फुल फ्लैश बाय बाय भी कर दिया जाएगा, अभी आस्ते आस्ते इनकी आ रही है, जैसी आई है तो अब देखो कांग्रेस की बढ़ोतरी तो होगी, क्योंकि लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं आज, आज लोग जब हम लोग मिलने जाते हैं, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, हम लोग लोगों से बस्ती बस्ती घूमते हैं, भाई आपको दिक्कत तो नहीं है, अभी हम गरीब लोगों को कभी कपड़े वितरण, कभी कंबल वितरण, कभी राशन वितरण अभी हम लोग करते रहते हैं जी। तो हमारा कहने का मतलब है कांग्रेस ग्रोथ कर रही है जी। लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा झूठ सामने ले आते हैं कि अब जैसे वहां पैसे फ्री कर रहे हैं कि जी महिला को इतने देंगे, इसको इतने देंगे, ये जो झूठ का पुलिंदा लेकर आते हैं उससे हमारी जो जो जनता है, देखो इस वक्त वो जब से लॉकडाउन लगा है, जब से नोटबंदी हुई है, जनता परेशान है, ठीक बात है, हमारी जो जो कम नहीं जो ग्रोथ थी वो सब कम हुई है, तो उससे जनता थोड़ी परेशान है, तो उनको अब कुछ मिल जाता फ्री का तो वो थोड़ा सा जरा कर देते हैं वो है, लेकिन जिस दिन जनता सही से खड़ी हो गई और इसको समझ गई तो इनको जाना पड़ेगा, इनको बिल्कुल कांग्रेस को लोग आज याद कर रहे हैं, लाइक करते हैं, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कभी हम दुखी नहीं हुए, आज हर हर तबका दुखी है, मजदूर दुखी है, उसका एक कार्ड बना रहे हैं, श्रम कार्ड बना रहे हैं जगह जगह, उसमें इतनी लाइन लगी हुई है, इतने लोग भाग भाग के जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो श्रम कार्ड के भी हम आपको ये उनके अकाउंट में 5,000 रुपए डाल रहे हैं। अब यहाँ अब ये होता क्या है कि उस लालच में आदमी काम पे नहीं जाएगा, आदमी वहां लाइन में लगाएगा, वो अपने श्रम कार्ड या 5,000 रुपए आगे, इतने ही बेचारा मजदूर कमाता है, तो आप ये आप क्या कर रहे हैं, आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हो, दिल्ली को किस तरफ लेके जा रहे हो, आप सबको आप क्या क्या फ्री देंगे, अभी आप इतना दे रहे हो, आने वाले समय में आप किस पे, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आप किस किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या क्या फ्री करेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान मतलब इस दिल्ली में क्या क्या फ्री करेंगे आप, कौन कौन सी चीज, इसका मतलब तो आने वाले समय में सब कुछ फ्री हो जाएगा, अगर ये इलेक्शन लड़ते रहे और ऐसी हर इलेक्शन में फ्री होता रहा तो सब कुछ फ्री है, नौकरी की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब आप होश में आइए, आप सत्ता में लोग आपको लाइक करते हैं, आप रहिए, लेकिन विकास कार्य तो करिए, फ्री के मुद्दों को छोड़ के विकास कार्य कुछ करिए, जो विकास कार्य कांग्रेस करके गई थी, जो बढ़ा के गई थी, आप उनकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रहे, स्कूलों को आपने मॉडिफाई कर दिया, वहां रंग बिरंगे वो लगा के ये सब करके उनको आपने खड़ा कर दिया, और वो आप कहते हो कि हमने स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिए, लेकिन उसी शिक्षा का स्तर आपने देखा है, शिक्षा का स्तर कितना गिरा है, वो उस पर ध्यान नहीं है, ऐसे ही इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, जो डिस्पेंसरी थी वो सरकार की थी, आप उसी को मोहल्ला क्लिनिक का नाम देना, अब आप बताइए एक स्टाफ तो वहां बैठा, उनको सबको सैलरी आए, एक इसने अलग न बना दी मोहल्ला क्लिनिक, अब एक वहां स्टाफ अलग है, वहां स्टाफ और लगा दिया, अब आप बताइए उसी को आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम देते, सब कुछ है, सारी सुविधाएं है, अब दवाई यहां भी आ रही है, दवाई वहां भी आ रही है, तो क्या किया इन्होंने कि जो एक
वो होता है कि भाई यहाँ से भी कमीशन आएगा, यहाँ से भी कमीशन आएगा दवाइयों का। पब्लिक सोच समझे, पब्लिक समझा कि हमारे घर के पास खुल गई है, वो भी तो घर के पास है। डिस्पेंसरी 5 ब्लॉक में है यहाँ पर, जहाँ आप बैठे हो 10 कदम पर डिस्पेंसरी है, 10 कदम पर इन्होंने खोल दी। तो आपने डबल क्यों, उसी को आप देते, उसमें डॉक्टर्स हैं जिनकी सैलरियां इतनी हैं, बहुत सा उसमें सारी सुविधा है, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई नहीं है। अभी 6 बच्चे जो कितने बच्चे वो हुए हैं, उनकी डेथ भी हुई है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है, उल्टी सी दवाई रखी होते हैं, अनट्रेंड लोग रखे हुए हैं इन्होंने। लेकिन लोग, अब गरीब आदमी कहाँ जाके बताएगा, किसको जाके बताएगा, कहाँ अपनी आवाज उठाए। सिविल डिफेंस में इतनी भर्ती कर दी, उनकी सैलरी भी तो दो, सिर्फ इसलिए भर्ती कर दी कि आधी डिस्पेंसरी पे बैठा देंगे, वहां बैठा दिए डिस्पेंसरियों पे, मोहल्ला क्लिनिकों के बाहर बैठा दिए, पेट्रोल पंप पे बैठा दिए आधे ज्यादा, और आधे ज्यादा चौक पे खड़े हुए बैठे हुए लोग। इतनी आप क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपने भर्ती करी है उस तरीके से भर्ती करो, उनको सैलरी नहीं है क्योंकि अपने कार्यकर्ता रख लिए सारे। ठीक बात है, ये इनकी पॉलिसियां जो है ये सब अभी कुछ दिन के बाद सामने आएंगी, जनता के सामने आएगी, तो जनता अपने आप इनको जवाब देगी। जी, हमारे साथ बने हुए थे बालकिशन बाली जी, और इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों को साथ में रखा, और इन्होंने बताया कि जनता सबका हिसाब जानती है, और अगर कोई फरेब करेगा तो उस फरेब का जवाब भी वोट के साथ दिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए शख्सियत से, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जन मीडिया टीवी से मैं विकास मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।